बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा पफ की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, यमी है, और आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, मुझे पक्का पता है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक कप चिकन लेंगे हम, छोटे पीसेस में कट करके। इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और 1 टीस्पून सोया सॉस, और इसमें आपको डाल देना है 1 टीस्पून विनेगर। इसको मिक्स कर देना है और 30 मिनट के लिए रख देना है मैरिनेट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें डालना है 2 टेबलस्पून ऑयल, और इसमें हम डाल देंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चिल्ली फ्लेक्स 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो ये दोनों मैरिनेट के टाइम भी डाल सकते हैं, मैरिनेशन के टाइम। और बस ये हमारा चिकन कुक हो गया अच्छे से। इसके बाद हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से मटर डाले हैं, शिमला मिर्च है, और इसमें है टमाटर, टमाटर के बीज मैंने निकाल लिए हैं, और इसमें है अनियन, और इसमें जाएगी कॉर्न। आपके पास जो भी सब्जियां आप डाल दें, और नहीं भी डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि डालना ही है। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको पकाना बिल्कुल नहीं है हमें अभी। और इसमें हम डाल देंगे ओरिगनो 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें, लेकिन अगर है तो ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर इससे आता है। बस इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 2 से 3 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि हम ब्रेड पिज़्ज़ा पफ बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा सॉस इसमें जाएगी। बस इसको मिक्स करना है और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको पकाना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। तो देखिए इसमें अब मैंने यहाँ पर डाला है 1 मिनट के बाद में 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस। अगर आपकी मर्ज़ी है, आपको डालना है तो डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। ये बस ये रेडी हो गया हमारा, अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए रूम टेम्परेचर में हमारा ठंडा हो चुका है। इसमें हम थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे, थोड़ी डालनी है, ज़्यादा डालनी है, आपकी मर्ज़ी है, आपको खाना है, ठीक है। तो इसमें हम चीज़ डाल दी हमने। अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइसेस, इसके मैंने किनारे कट कर दिए हैं, और इसको हम बेल लेंगे, इस तरह से इसको बेल लेंगे। बस इसको हम फ्लेट कर लेंगे बेल कर। बस ये हो गया हमारा रेडी। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भरकर, जो हमारा चिकन है वो डाल देंगे। 1 चम्मच डालना है, 2 चम्मच डालना है, आपकी मर्ज़ी है, कितना जितना आपको खाना है उतना डाल दें। इसके बाद इसके किनारों पर हम पानी लगा देंगे अच्छे से, पानी बहुत अच्छे से लगा लेना है, अच्छे से गीला करना है इसको, और उसके ऊपर हम रख देंगे दूसरी वाली ब्रेड स्लाइस, और इसको चिपका देंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से इसको चिपका देंगे, और चाकू से इसके किनारे थोड़े से फिर से कट कर देंगे, ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए, देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ये देखिए ये हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा पफ बन के रेडी हो गया है। बस इसी तरह से हम सारे बना कर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ज़्यादा यमी और अच्छी लगती है खाने में, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितनी आसान है ये। बस ये हो गया हमारी दूसरा भी रेडी, इसी तरह से हम सब बना कर तैयार कर लिया है हमने। तो देखिए इसको आप बेकिंग ट्रे में रख दें, और इसके ऊपर रखेंगे हम चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस के रखने के बाद में इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है। इसको हम बेक करेंगे 15 टू 20 मिनट के लिए 170 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको भगोने में भी आराम से बेक कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, उसमें भी आराम से रेडी हो जाएगा। तो बस ये हो गए रेडी हमारे, देखिए बेक हो चुके हैं, और इसको मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ अभी। देखिए कितने मज़े के हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा पफ बन कर तैयार हो चुके हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये। तो देखिए अंदर से कितना जूसी है हमारा चिकन, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना मज़ेदार सा चटपटा सा लग रहा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।